हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फोर क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो, आज की वर्कशीट में बच्चों हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हमारा चैप्टर जो है कॉन्टिन्यू है और इसका रिविज़न हम कर रहे हैं। सो, आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा सेप्रोट्रॉप्स, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉयल। सॉयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो वो किस तरह से रिप्लेनिश होते हैं। सो, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो, लेट्स स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करने हैं। MCQs दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विच डेड एंड डिकेइंग मैटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। सो, प्लांट्स जो हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स जो है उनको मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट और एल्गी। तो सो, प्लांट्स विच यूज़ डेड एंड डिकेइंग मैटर टू गेट न्यूट्रिएंट दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, बी जो है इसका सही आंसर होगा, सेप्रोट्रॉप्स। क्वेश्चन सेकेंड है, ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इंटू सॉल्युबल फॉर्म। सो, ऑर्गेनिज्म जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, उसको देखिए जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकते, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्लांट्स उसका रीयूज़ करते हैं। सो, वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, राइजोबियम, फंजाई, पीचर प्लांट एंड ग्रास। तो सही आंसर क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैच करना है, देखिए मशरूम, मशरूम क्या है, मशरूम दैट इज़ अ सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, बी जो है आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। लाइकेन, लाइकेन इज़ द ये सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है एल्गी एंड फंगस के बीच का। ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड है पल्सिस, पल्सिस क्या है, इट्स अ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट बेटा आपने पढ़ा है कि जो रूट्स होती हैं उसके अंदर इस तरह से क्या बन जाती हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट्स, और इनके अंदर क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। सो, पल्सिस दैट इज़ द लेग्यूमिनस प्लांट। नेक्स्ट देखिए, प्लांट न्यूट्रिएंट। तो प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज़ द प्लांट न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन इज ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। सो, ये आप आंसर कर लेंगे, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड का हो गया एंड ये आपका फिफ्थ का हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। तो आपको ये पैसेज रीड करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको करना है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं एंड दे शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, वो जो है न्यूट्रिएंट्स और जो आवास है शेल्टर है उसको शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, कुछ फंजाई जो है वो कहाँ रहती हैं, ट्रीज़ की रूट्स में रहती हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, और ट्री क्या करता है, ट्री जो है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और बदले में फंगस क्या करती है, इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। और फंगस वाटर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने में जो सॉयल है उससे हेल्प करती है, यानी आपस में रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, फंगस को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, प्लांट दे रहा है। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन देगा और फंगस जो है उसकी हेल्प करेगी एब्जॉर्प्शन में सॉयल से वाटर एंड मिनरल्स। तो जो ये एसोसिएशन होती है, दिस एसोसिएशन इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। नाउ क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप गेट बेनिफिटेड टुगेदर। जो ऑर्गेनिज़म्स हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, वो कैसे एक दूसरे के बेनिफिट्स जो है बेनिफिटेड होते हैं। सो, इसमें आप सिंपल सी बात लिख देंगे, दैट सम ऑर्गेनिज़म्स,
ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक बेनिफिट होते हैं, तो शेयर एंड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स वो आपस में शेयर करते हैं और यही उनका बेनिफिट है कि आपस में जो है वो बेनिफिट होते हैं, एक उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। साथ साथ आप फॉर एग्जांपल करके बेटा बहुत अच्छे से एग्जांपल भी दे सकते हो, एग्जांपल देते हो तो ये जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसका एग्जांपल भी दे देंगे, सो ये आपका इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5th है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर चूज करना है, द फंगल स्पोर्स जर्मिनेट एंड ग्रो ऑन। सो फंगल स्पोर्स वो जर्मिनेट करती हैं, ग्रो करती हैं इन ह्यूमिड एंड वार्म, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ह्यूमिड एंड वार्म, तो आंसर यहाँ पे आप लिख देंगे ह्यूमिड एंड वार्म, तो ये जो है आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये होगी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा साइंस की, एंड आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।